इंट और फ्लोट में जावा में क्या डिफरेंस होता है? बात करें पाइथन की, बात करें डेटाबेस की, बात करें हम सी लैंग्वेज की, बात करें सी प्लस प्लस की, तो सारे लैंग्वेजेस में, बात करें विजुअल बेसिक की, तो वहां पर भी हम समझ चुके हैं कि डेसिमल में और मतलब कि इंट में और फ्लोट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहां पर भी थोड़ा देख लेते हैं। वैसे फ्लोट में हम पॉइंट वाली वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर में हम डेसिमल वैल्यूज नहीं एंटर कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, इस प्रोग्राम को बना करके जावा पर चलाते हैं इसको और देखते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले फाइल पे जाइए, फिर न्यू पे जाइए, फिर यहाँ से नया प्रोजेक्ट हमें लेना है, तो यहाँ से नया प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से इस पे टिक रखना है। टिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर नाम दे देना है, लाइक मैं कर देता हूँ डिवीजन इस तरीके से। ओके, एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये आने के बाद क्या करना है? ये आने के बाद सबसे पहले तो हमें यूजर की मदद से जो कराना है वो कराना है। पहले तो ये हटा देते हैं, ये सब कोड और लिखा हुआ आ रहा है, इसको हटा देते हैं, इसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आना है, यहां पे देना है हमें इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये दे दिया हमने, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया, एंटर करके नीचे आएंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल्स बनाने हैं। इससे भी पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, तो हम यहाँ पर इंट टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं अभी। इसके पहले मैंने फ्लोट डेटा टाइप को लेकर के बताया था, इसमें दोनों का कॉम्पेरिजन करेंगे। और ये तीन वेरिएबल ए बी सी बना लिया हमने और यहाँ पर दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब इसके अंदर क्या आएगा, एंटर टू नंबर्स, तो ये दो नंबर एंटर करेंगे तभी तो डिवीजन होगा। एक वो नंबर होगा जिसमें डिवाइड कराना है और एक वो नंबर जिससे डिवाइड कराना है। तो ये एंटर टू नंबर्स का मैसेज यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा और जब ये यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा तो फिर यहां पर मैं लिखता हूँ स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इस तरीके से दे देना है और फिर इसको टर्मिनेट कर दीजिए। तो ये कर देने के बाद अब फिर नीचे आकर के हमें एक एक को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ए है, तो ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, आई एन टी इंट, ठीक है। यहाँ पर ओपन क्लोज और यहाँ पे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, फिर इंट करेंगे क्योंकि करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर देता हूँ चूंकि इंट ही लिया है, ठीक है। तो इंट में देखते हैं पहले क्या होता है, फिर हम फ्लोट को चेक करेंगे। फ्लोट को तो पहले ही चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ये लिख दिया हमने और यहाँ पर डबल कोट्स में क्या दे देंगे, देंगे द रिजल्ट इज, ये दे दिया हमने, और जिसमें वो वैल्यू जाके स्टोर होगी प्लस लगा करके लिख देंगे लाइक सी इस तरह से, ठीक है। और टर्मिनेट कर दीजिए और अब इसको सीधा सीधा यहाँ से चला दीजिए प्रोग्राम को। जब चलाएंगे तो ये अगर कोई एरर नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। और देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया रहा है एंटर टू नंबर्स, तो अब हमको दो नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे हम देते हैं पहले सिक्स और इसको टू से डिवाइड कराते हैं तो होल में आएगा नंबर। तो यहाँ पे देखिए थ्री रिजल्ट आ रहा है हमारा, देखिए द रिजल्ट इज थ्री, ठीक है। अगर आप गैप दे देंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर गैप भी आएगा प्रिंट हो करके लाइक इस तरीके से। तो अब अगर रन करवाता हूँ दोबारा तो ये देख सकते हैं रन हो चुका है प्रोग्राम। अब यहां पर एंटर करता हूँ सेवन और टू, तो क्या हमारा रिजल्ट फ्लोट में आएगा? नहीं, फ्लोट में नहीं आएगा क्योंकि हमने इंटीजर ले रखा है, दैट्स वाई। हमने यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप लिया है? इंट लिया है, इसीलिए ये फ्लोट में रिजल्ट नहीं देगा। हमेशा रिजल्ट जब भी देगा तो क्या देगा, इंटीजर ही देगा। इसीलिए जहां जहां हमने इंट लिया है वहां वहां हम फ्लोट कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर मैं कर देता हूँ एफ एल ओ ए टी फ्लोट, ठीक है। यहां से डेटा टाइप चेंज करना है, एफ एल ओ ए टी फ्लोट कर दिया हमने। और फ्लोट करने के बाद यहां पर क्या करेंगे, ये जो इंट दिया है इसके जगह हम फ्लोट दे देंगे, ठीक है। तो यहां से हम दे देते हैं फ्लोट एफ एल ओ ए टी फ्लोट, ठीक है, इस तरीके से।
और यहां पर भी हम फ्लोट दे देंगे, तो यहां पर क्लिक करके तब फ्लोट देंगे। float फ्लोट, ठीक है, और बस हो गया काम, कितना ही करना था। अब यहां से हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं, यहां पे चलते हैं, यहां से रन करवाते हैं इसी प्रोग्राम को। प्रोग्राम सेम है आपका, बस थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। अब यहां पर आता हूं, अब इस बार 7 देता हूं और 2 देता हूं, तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट 3.5, यानी कि फ्लोट में भी मतलब पूरा का पूरा रिजल्ट आपका प्रिंट हो रहा है। फ्लोट लेने का ये फायदा है, ठीक है। अगर फिर मैं इसको रन करवाता हूं, तो अगर इस बार मैं होल नंबर रखता हूं, लाइक यहां पर रख दिया मैंने मान लीजिए 655, और इसको 5 से डिवाइड कराऊंगा, ये देखिए यहां पर क्लिक करता हूं, यहां लिखता हूं 655 और इसको 5 से डिवाइड कराता हूं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 131 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहां पे ये इस तरीके से दे देगा। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज भी अगर आप ले लेते हैं तो भी आसानी से काम हो जाएगा। लाइक यहां पे देखिए, यहां पे 77 है, अगर इसको 2 से डिवाइड कराते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट हमारा फ्लोट में आएगा, मींस कि डेसिमल वैल्यूज आएंगी, दशमलव वाली वैल्यूज आएंगी, तो यहां पे आ रहा है, नो प्रॉब्लम। और जिसमें आपको दशमलव वाली संख्याएं नहीं, ऐसा कोई डिवीजन है जिसमें दशमलव वाली संख्या ना आने लायक हो, लाइक यहां पे 4 है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर पहले क्लिक कर देता हूं फिर दिखाता हूं, ये देखिए 4 है, अब इसको 2 से डिवाइड करना है तो रिजल्ट 2 आएगा, तो यहां पर 2.0 दे देगा, बस यही फर्क है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। बाकी इसके अलावा जो है मेमोरी कितनी कंटेन करता है ये भी एक मैटर रखता है, तो किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।